आपने दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन YouTube चैनल तो चलते हैं दोस्तों लोग सभी बढ़िया। आई वाज टॉट टू हेट हिंदूज एज आई चाइल्ड। देखते दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं लुबना आजादी का वीडियो लेकर आया हूं। लुबना जी को आप जानते होंगे, वो मेरे चैनल पर भी आ चुकी हैं, मैं भी उनके चैनल पर जा चुका हूं। ब्रिटिश हैं, उनके माँ बाप पाकिस्तानी थे बट उनके जो दादा दादी थे वो भारत के रहने वाले थे। और जिस तरह से वो वीडियो बना रही हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तानियों को एक्सपोज कर रही हैं या रियलिटी बता रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। तो इस वीडियो के टाइटल ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इसमें लिखा है कि लुबना ब्रिटिश पाकिस्तानी कन्फेसेस आई वाज टॉट टू हेट हिंदूज एज ए चाइल्ड। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत मुझे लग रही है कि ये बताने वाली है, सुनते हैं। मैं सोने जा रही थी और सोते वक्त मुझे अपना बचपना याद आ रहा था और मैं वही सोच रही थी कि अब आज जो है मेरे सारे जो करीब दोस्त हैं वो हिंदू हैं और मेरा आज एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो मुसलमान है और इस में बहुत फ़र्क है। मेरी अब जो ज़िंदगी है और जब मैं छोटी थी उस ज़िंदगी में मेरा काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे सिर्फ मुसलमान दोस्त होते थे और जब मैं छोटी थी तो मैं एक्चुअली हिंदुओं को पसंद नहीं करती थी। और उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों नहीं करती थी मैं हिंदुओं को पसंद। मेरी अम्मी ने मुझे अच्छी तरबियत दी थी, वो कभी किसी के लिए दिल में नफ़रत नहीं डालती थी और यही सिखाती थी कि हम लोग सबसे बातचीत रखें, सबको अच्छा समझें, सबसे घुले मिलें। मगर मेरा एक रिश्तेदार था, मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऑफ़कोर्स वो बन जाती कि मेरी वीडियो देख के वो अपसेट हों। मगर मेरी जो एक रिश्तेदार था जो मेरे करीब था वो काफ़ी जहर घोलती थी, मैं बोलूँगी नहीं कि कौन है, हिंदुओं को लेके और यहूदियों को लेके काफ़ी जहर, कि हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं, हिंदू तो काफिर होते हैं या पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं बुतों की और इस टाइप का, पता नहीं क्या क्या बातें मुझे बोली गई थी जब मैं छोटी थी। तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं हिंदुओं से बात करूं या हिंदुओं के साथ बैठ के मैं खाऊं। मुझे तो बताया गया था, उस रिश्तेदार ने मुझे बताया था कि हिंदू तो बहुत बुरे लोग होते हैं उस लिहाज से कि यानी इतने गंदे होते हैं और उनके साथ तो खाना भी नहीं चाहिए, इनके साथ तो दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए। तो जब मैं स्कूल में होती थी और मैं खाना खा रही होती थी लंच टाइम पे तो और कोई हिंदू आके बैठता था तो मेरा खाना ऐसे लगता था यार हराम हो गया, मैं खा ही नहीं सकती अब, क्या ये है, क्यों आके बैठा ये इंसान, मैं ये तो हिंदू है मैं तो खा नहीं सकती हूँ। और मैं तो अपने दूसरे दोस्तों को भी मैं बोलती थी जब मैं छोटी थी यानी 10 साल की मैं होंगी कि यार ये हिंदू हैं तो मैं नहीं खा सकती हूँ। हालांकि उन दूसरे कुछ दोस्त को इतना मसला नहीं था मगर क्योंकि मेरा रिश्तेदार जो है उस वक्त मेरे कान भरे जा रहे थे छोटी उम्र में तो मुझे मेरे ऊपर काफ़ी बुरा असर हुआ था इस चीज़ का। और हैरानगी की बात यह है कि आज इतने साल बाद मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और एक भी मुसलमान नहीं है, बल्कि मेरे तो मुसलमानों से बनती ही नहीं है भाई। मुझे बहुत ही अजीब सी सोच लगती है, ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग हरकतें, और मेरा दिमाग पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में जितने भी मेरे दोस्त हैं जैसे मैंने आपको बोला करीबी दोस्त सारे हिंदू हैं, मुझे ये एहसास हुआ जैसे मैं बड़ी होती गई कि एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर कोई आपके मज़हब से है तो वो अच्छा इंसान है और अगर कोई आपके मज़हब से नहीं है तो वो बुरा इंसान है। और जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे अपने मज़हब के लोग मुझे इतने बुरे बुरे मिले कि मेरा उनसे भरोसा हट गया और दूसरे मज़हब के लोग मुझे इतने अच्छे मिले कि मुझे फिर समझ में आ गया कि मज़हब से नहीं होता है, होता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, इंसानियत होनी चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। दिक्कत तो यही है कि लोग सारी बातें ये समझते नहीं है कि इंसान होना ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है मुसलमानों के साथ, सॉरी टू से, बहुत सारे मुसलमानों को मेरी बातों से चिढ़ मचती है। दिक्कत यही है कि आप सबसे पहले अपना रिलीजन लाते हो, बाद में इंसान लाते हो। आप ये भूल जाते हो कि पहले इंसान है फिर रिलीजन है। दूसरी चीज, ये हेट क्यों भरी जाती है मुसलमान बच्चों के दिमाग में? इसलिए भरी जाती है ताकि अपना पॉइंट हम साबित कर सके कि हम सबसे बेहतर हैं।
जब तक आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाओगे, दूसरों में कमियां नहीं निकालोगे, दूसरों की बुराइयां नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को अच्छा साबित कैसे कर पाओगे? और ये इस्लाम में खूब होता है। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा कई मुसलमानों को, लेकिन आप इसको गौर से, जरा ध्यान से अपनी ही चीजों को रिकॉल करिएगा कि आपको क्यों बताया जाता है कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू, क्योंकि आपको एहसास कराता है कि आप बड़े पाक साफ लोग हैं। वो तो गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों? क्योंकि आप वो काम बता रहे हो जो नहीं किया जाता, और आप चूंकि उससे पाक साफ बनोगे। अरे यार क्या गाय का पेशाब पीने वाले हैं, तो हम देखो यार कितने अजीमो शान कौम है हम लोग। तो इस्लाम को फैलाने में ये जितने मुल्ला मौलवी हैं, आप ध्यान से, मतलब मुसलमानों को शायद बुरी लग रही बात है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, कभी हमेशा दूसरों की बुराई की जाती है ताकि इस्लाम को ऊपर लाया जा सके। दूसरे रिलीजन्स में कमियां निकाली जाती हैं, अपने रिलीजन में 1000 कमियां हैं लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, दूसरे रिलीजन को कमियां निकालेंगे। अपनी लाइन को बड़ा नहीं करना है, कमियां निकालकर, नीचा दिखाकर, बुराई निकालकर दूसरे की लाइन छोटी करनी है ताकि अपनी लाइन अपने आप बड़ी हो जाए। सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन देखो दोस्त, सच्चाई कड़वी होती है और वो बुरी ही लगती है। और यहूदियों के बारे में भी मुझे बताया गया था, एक तो मुझे पता नहीं था कि यहूदी किस चीज को बोलते हैं, मुझे पता नहीं था कि ज्यूइश लोगों को बोलते हैं। तो मेरे जो रिश्तेदार था या थी, मैं बोलूंगी नहीं कि कौन, मगर उन्होंने बोला था यार कि यहूदी जो हैं उन्होंने तो हमारे प्रॉफिट को मारा और जहर दे दिया था, और ये लोग बहुत बुरे लोग होते हैं, ये तो दुश्मन हैं हमारे, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें। मुझे तो आधी बातें समझ में भी नहीं आती थी, मगर मुझे बस ये समझ में आता था कि हम मुसलमान हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और हम साफ़ सुथरे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और हमें आखिरी मैसेज दिया गया है गॉड का, और ये पता नहीं क्या फैलाना, और ये सब इस टाइप की बातें करी जाती थी, और मेरे ऊपर काफ़ी बुरा असर हुआ था। ये जो है कहानी मुझे बचपन के बारे में, मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरा जो बेटा है वो स्कूल से आया, और उसने मुझे बोला कि वो अंग्रेज़ी में बात करता है, मगर उसने मुझे बोला कि अम्मी एक लड़की है मुसलमान मेरे क्लास में, और वो तो ये बोल रही थी कि हम मुसलमान हैं तो हम तो किसी और से दोस्ती रख नहीं सकते मुसलमानों के अलावा। तो जब उसने मुझे ये कहानी बताई तो मैं इतनी हैरान हुई और मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने अपने बेटे को बैठ के समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, हम सबसे दोस्ती रखेंगे, हम ऐसे किसी के मज़हब से नहीं पता चलता कि कोई कौन अच्छा है कौन बुरा, और मैंने अपने बेटे को ऐसे समझाया तो उसको समझ में आया। मगर फिर मैं दूसरे दिन सोचती रही, यही कुछ हफ्ते पहले की बात है, फिर मैं कुछ दिन दूसरे दिन सोचती रही यार कि मुझे बुरा लग रहा है कि किसी दूसरे मुसलमान बच्चे ने मेरे बेटे को ये बोला, मगर मैं खुद ऐसी होती थी जब मैं छोटी थी, मैं खुद ऐसी होती थी कि मैं इस टाइप की बातें तो मैं खुद करती थी कि यार इससे बात नहीं करो, तो हिंदू है वो नहीं करो, ये नहीं करो, उसके साथ नहीं बैठो, मैं खुद ऐसी थी अजीब सी। तो जिस बच्चे ने, जिस लड़की ने मेरे बेटे को मिसगाइड करने की कोशिश करी, और याद आप रखें कि वो सिर्फ 7 साल का है मेरा बेटा, तो उसकी भी कान भर रहा होगा कोई उसके घर में, उस लड़की के जैसे मेरा रिश्तेदार जो है मेरे कान भर रहे थे, तो जो लड़की अब मेरे बेटे को मिसगाइड कर रही, करने की कोशिश जो कर रही थी, उसका भी कोई रिश्तेदार उसको मिसगाइड कर रहा है घर में बैठ के, गलत बता रहा है, गलत समझा रहा है। और ऐसे ही नफरत होती है मुसलमानों के दिल में, अच्छे भी मुसलमान होते हैं जो इस टाइप की बातें बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं बताते, मगर कुछ लोग जो हैं अच्छे नहीं होते हैं। और मैंने ज़्यादातर मुसलमानों में ये देखा है कि दूसरे मज़हब के लोगों को बुरा बोलना, अपने मज़हब के लोगों को अच्छा बोलना, भले इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, और ऊट पटांग इस टाइप की अजीब अजीब बातें सिखाना। और जैसे मैंने बोला कि मेरी अम्मी ने मुझे इस टाइप की तरबियत बिल्कुल भी नहीं दी, मगर मेरे जो रिश्तेदार थे वो करीबी, उन्होंने मिसगाइड करा, और शायद तो मेरी अम्मी को तो पता भी नहीं था कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके जो उनकी उनकी यानी मैं बोलना नहीं चाहती कि कौन, कि ऑफकोर्स वीडियोस मेरी सारी देखते हैं और मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी के ही वो रिश्तेदार हैं
तो अब मेरी मम्मी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने इस टाइप की बातें मेरे साथ करी जब मैं छोटी थी, और गलत गलत बातें कुछ नहीं. सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त मेरे हिंदू हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, मेरी सोच मिलती है. और मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 10 साल की थी, तो इस टाइप की मेरी सोच थी. ऑफकोर्स मेरी गलती नहीं थी, मैं खुद बच्ची थी, मैं खुद इनोसेंट थी. मगर बच्चों के कान बिल्कुल भी भरना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार सिखाना चाहिए, नफ़रत नहीं सिखाना चाहिए. और दुनिया में जो जितने भी दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द बोलते हैं ना, सॉरी, मैं आपको मुझे पता होगा कि मैं यूके में पैदा हुई हूँ, यूके में ही रहती हूँ, तो मेरी हिंदी उर्दू आप लोगों के जितनी अच्छी नहीं है. तो कुछ लफ्ज़ हो सकते हैं मैं गलत बोल दूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देगा. मगर जो दहशतगर्द हैं, गर या गर्द बोलते हैं पता नहीं, वो ऐसे ही पैदा होते हैं कि बचपन से उनको नफ़रत सिखाई जाती है, फिर जैसे बड़े होते हैं उनका ब्रेन वॉशिंग करी जाती है और इस टाइप की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, तो फिर वो आतंकवादी और इस टाइप के लोग बनते हैं, टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट किस्म के. ये चीज़ अब देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान की किताबों में, स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के खिलाफ बातें पढ़ाई जाती हैं। क्या कोई कम्युनिटी ऐसे अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना पाएगी जो जो बचपन से ही अपने बच्चों के दिमाग में हेट डाल रही हो? और ये ज्यादातर मुसलमानों के यहाँ होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैं सऊदी अरबिया, यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर जो इस थर्ड ग्रेड टाइप के जो मुसलमान कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस टाइप के, वहां पर ये काम किया जाता है। और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। यही हाल ये यहूदियों के साथ भी करते हैं। पाकिस्तानियों की बात करो, इनके टीवी शो पर इस पर भी बात हुई है, सुनिए। इस वक्त ये देखिए ना, ये कर, क्लास 7, हाँ, सात सात सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी सर? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल ग्यारह होगा. बारह साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं, ठीक है? सात यहूद साल खा के जाते बच्चों हैं, को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं, काम है, उनका यही काम उनका है, यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात ये है. तो जब आप 5वीं क्लास के बच्चे, 4थी क्लास के बच्चे, इन लोगों को आप हेट डालेंगे, तो बड़े होकर हेट ही करेंगे, वो इसी चीज को सच समझेंगे। यही हुआ पाकिस्तान के साथ, इसलिए पाकिस्तान आज पीछे की दिशा में चल रहा है, बाकी दुनिया आगे की दिशा में चल रही है। ये फर्क है। ये चीज़ बहुत छोटी, ये जो बीज डाला जाता है नफ़रत का, ये छोटी उम्र में डाला जाता है. और जैसे पौधे को पानी इंसान देता है और धूप देता है, वो खूबसूरत बनता है, वैसे ही नफ़रत का बीज डाला जाता है और नफ़रत का पानी, नफ़रत की धूप और नफ़रत नफ़रत दिल में डाली जाती है इन बच्चों की, जो फिर बड़े होकर आतंकवादी बनते हैं. मैं यूके में रहती हूँ और हालात ठीक नहीं है, और मैं अब कोशिश करूँगी कि जो बातें मैं अपने दूसरे चैनल पे करती हूँ, अंग्रेज़ी चैनल पे, एट लुबना डॉट कैंडिड, जिसका नाम है कैंडिड विद लुबना, वो चैनल का नाम है मेरा, अब मैं उसी टाइप की बातें अपनी इस उर्दू हिंदी वाले चैनल पे करूँगी, इवॉल्व विद लुबना, क्योंकि आई थिंक वो बातें जो मैं करती हूँ अंग्रेज़ी में, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं उर्दू हिंदी में भी करूँ, क्योंकि यूके के हालात सही नहीं हैं, वेस्ट के हालात सही नहीं हैं, और हालात बहुत ख़राब है. आतंकवादी काफ़ी हैं, घुस चुके हैं वेस्ट में, गंद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत और बर्बादी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अपने लिए भी डर है, मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी डर है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ. मुझे भी धमकियाँ आती रहती हैं भाई, हालांकि मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ मुसलमानों से, और इस्लाम को लेके मैं बहुत ही इज़्ज़त से बात करती हूँ, और मैं हर मज़हब की इज़्ज़त करती हूँ. मेरा ऐसा कभी भी इरादा करनी होगा कि मैं किसी की मज़हब को बेइज्जती करूँ या मैं कुछ बदतमीज़ी करूँ, ना मेरे नेचर में है. मगर जो टॉलरेंस नहीं है बर्दाश्त करने की मुसलमानों में, नहीं कि कोई कुछ भी बोले, ये लोग जो हैं, ऑफकोर्स मैं भी मुसलमान तरीके से मेरी परवरिश हुई है, मगर मैंने देखा है कि दूसरे मज़हब के लोगों के मुकाबले में लोगों में बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं, कि कोई अच्छा कोई आपको गाइड करना चाहे तो आप समझें कि इंसान क्या बात कर रहा है. ये लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं, और ख़ुद परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं, और इनसे यानी बात ही नहीं इंसान कर सकता है. तो एनीवेज मैं बात आप ये करती रहूँगी अपने चैनल के ऊपर, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे धमकियाँ आती रहती हैं, मैं काफ़ी तंग हूँ एक्चुअली,
मेरी जो अंग्रेजी चैनल है उस पर भी मैंने पोस्ट करें स्क्रीनशॉट जो मुझे आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, और मैं थक जाती हूँ इन लोगों की बातें सुन के, इनको रिप्लाई करके इनको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि यार सुधर जाओ, और तुम लोगों को गलत समझाया गया है, गलत चीज़ें बताई गई हैं, और इन गलत चीज़ों को लेके अपने दिल में नफरत नहीं रखो। ज़िंदगी अल्लाह ने, अल्लाह बोले, गॉड बोले, राम बोले, मेरे नज़र में तो, मेरे नज़र में देखें क्रिएटर एक ही है दुनिया का। मैं गॉड में बिलीव करती हूँ, और मैं ये नहीं बिलीव करती कि आप एक गॉड, सिर्फ गॉड बोलना चाहिए या राम बोलना चाहिए, अल्लाह बोलना चाहिए। मेरे नज़र में क्रिएटर एक ही है भाई, आप कुछ भी बोलें आपके ऊपर है। तो जो गॉड ने हमें एक ज़िंदगी दी है, हमें वो अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए, प्यार प्यार करके, एक दूसरे की मदद करके। ह्यूमैनिटी पहले आप रखें, इंसानियत आप पहले रखें, ना कि आप नफ़रत में अपना टाइम वेस्ट करें और दूसरे लोगों को भी तंग करें। एनीवेज आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मेरी कोशिश है कि मैं अपने चैनल्स के थ्रू लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकूं, कुछ समझा सकूं, मगर कुछ पागल संकी लोग होते हैं कि आप जितना भी उनको अच्छा सिखाने की कोशिश करें उनको गलत ही समझ में आएगा। एनीवेज उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मगर उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि लुबना ब्रिटेन में पैदा हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई, वो ब्रिटिश हैं, और वहां भी जहां पर सोसाइटीज डेवलप हैं, थोड़ा खुले विचारों वाले लोग हैं, वहां भी इनके मन में, जब ये बचपन में बचपन में तो छोटे ही होते हैं, बचपन में इनके दिमाग में जहर भरा गया हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता होगा या फलस्तीन में क्या होता होगा। पहले मैं आपको पाकिस्तान में दिखाता हूं कि बच्चों की सोच क्या कहती है। कई सारे अलग अलग रिएक्शन चैनलों की चीजें मैंने ये जमा करके रखी हैं ताकि वक्त आने पर सबूत दिया जा सके कि देखो तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो और तुमने अपने बच्चों को क्या बना रहे हो। देखिए कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है, हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी? वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है, क्यों हम इतनी वो हमारे कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं यार, मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अब मैं आता हूँ फिलिस्तीन पर। अभी ट्विटर पर मैं कहीं सर्च कर रहा था, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। वहां की किताबों में यहूदियों का सर कलम करने की बातें पढ़ाई जाती हैं, काफिरों को काटने की बातें पढ़ाई जाती हैं। अब आप जरा सोचिए कि इन तस्वीरों को, इन बातों को जब बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, पढ़ा होगा, उसके दिमाग में क्या होगा? क्या प्यार होगा उसके दिमाग में? इतनी नफरत, इतनी नफरत, उसका हश्र देखिए क्या हो रहा है, मारे जा रहे हैं नफरत से, और ये मरते रहेंगे ऐसे ही। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत से नफरत और ज्यादा बढ़ती है। आप सोचो, तो अगर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो भैया आपको नफरत ही हटानी पड़ेगी, और ये नफरत हट नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान में तो वोट बैंक का मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ही जानते हैं कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए, ठीक से उनको सारी बातें सही सही बता दी गई, तो फिर तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, कोई हम पर बिलीव नहीं करेगा। और बिलीव ही, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कौम हो, बिलीव बड़ा मैटर करता है कि आप उस बिलीव को किस तरह से सींच रहे हैं और किस तरह से उसने आपको पकड़वाया हुआ है। जब सवाल पूछने लगेंगे तो बिलीव वाली बात ही खत्म हो जाएगी ना। सवाल तभी उठते हैं जब बिलीव नहीं होता, वो चाहे रिलीजन हो, चाहे ये हो, देश हो, तो दोनों पर सवाल उठने लगेंगे। इसलिए होता है कि ना, दरवाजा ही बंद रखो, सवाल उठाया नहीं कि गर्दन काटने को तैयार रहो। लेकिन अब वो जमाना गया, सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठेंगे, और बहुत बड़े बड़े सवाल उठेंगे। आप एक की गर्दन काटोगे, दो की काटोगे, चार की काटोगे, पूरी दुनिया का गर्दन तो नहीं काट सकते ना, और वो सवाल उठते रहेंगे। अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका देश, आपकी कौम एक अच्छी बने,
तो सबसे पहले ये मार काट नफरत इसको हटाइए, अपने बच्चों को पहले एक इंसान बनाइए। समझिए इस बात को। और चूंकि आप अपने रिलीजन का इस्तेमाल एज ए टूल करते हैं, एज ए वेपन करते हैं, तो ये आपके रिलीजन में मुमकिन नहीं। बाकी आपको जो समझना है समझिए। आप उस गुलाम की तरह हैं कि आपको कहा जाए कि सामने वाले का सर काट दे, आप काट देंगे, कहेंगे हाँ मेरे तो मालिक ने कहा है तो मैं इसको जायज ठहराऊंगा। जायज नहीं है ये, किसी को मार देना किसी के कहने पर ये जायज नहीं है। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आई एम सॉरी टू से, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। बाकी जो लुबना जी ने बातें कही वो बहुत आंखें खोलने वाली बातें हैं। और इसी तरह से ग्रूम किया जाता है बच्चों को हेट करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों से, इस्लामिक बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को। मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान ऐसे, बट मैक्सिमम ऐसे जो अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो खास तौर पर, भारत में भी हैं, भारत में भी धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ही वैसे हो जा रही है बचपन से ही, इंजेक्शन चालू नफरत का, तो बड़े होकर नफरत ही बनेंगे और क्या बनेंगे। और फिर जब मार खाएंगे तो कहेंगे ओ अरे ऐसा कैसे हो गया, हम पर तो जुल्म हो रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। अच्छा जो लुबना ने बातें की उस पर तो मैं बाहर जाता हूँ कि लुबना ने क्या कहा, फिर लोग स्क्रीनशॉट दिखाए, क्लिप्स दिखाए। मैं तो जो हिजबुल्ला वाली जो बात थी ना, वो उस पर चौंक गया हूँ कि उन्होंने मतलब बुक्स दिखाई है, स्क्रीनशॉट दिखाए बुक के, कि मतलब वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं लगा कर कि हिजबुल्ला फलस्तीनी जो वो ये दिखा रहे हैं कि जो दिन काट दो। हमें इतना ये हुक्म आया है कि यहूदो नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त का मतलब क्या है, दोस्त किसको कहते हैं, जिस पर एतमाद किया जा सकता है, जिस पर एतमाद किया जा सकता है। हमें ये बताया गया कि इन पर एतमाद नहीं करना, दोस्त नहीं बनाना। काटने का तो मैं कहीं नहीं कहा गया। अच्छा, अब काटने का जो उन्होंने कहा ना, वो मैं बताता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मजहबी लिहाज से नहीं अब कह रहे उनको काट दो, वो कह रहे हैं कि दुनियावी लिहाज से, क्योंकि वो उनसे इतने अरसे का उनके बच्चों को मार रहे हैं, इस वजह से उन्होंने किया होगा कि उसको काट दो, उसको खत्म कर। अब किताबें छापी है, पब्लिश हुई है, तो ये 1948 से सिलसिला चला है, जिस तरह उनका मुसल्लत करवाया गया इजराइल को, सारी बात है उन्होंने फिर ऐसे किया तो है, तो इस गांधे को खत्म करना चाहते, और मैं इस बात के हाथ में, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे कुरान हकीम फुरकान हमीद में ये हुक्म है कि यहूद व नसारा कभी आपके खैर ख्वाह के दोस्त नहीं हो सकते, मतलब कि आपके वो कभी आपका भला सोच नहीं। ये तो हमें खबरदार किया गया। अब देखना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि चीज़ों को मैनिपुलेट ना किया करें, आपको पता नहीं कुरान असल में हमें कहना क्या चाहता है। आप इस चीज को ये कह देना तो काटने को हुक्म आया, इस चीज को ये कह देना। अब मैंने इस पर पूरी एक मतबा डिटेल पर बात की थी कि एक लफ्ज आप पढ़ते हैं, एक जुमला पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से आप पता नहीं चलेगा। जो थी नहीं हमारे कुरान पाक, कुरान हमीद, फुरकान हमीद, जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकट्ठा नहीं उतरा, वो वक्फों से उतरता रहा, आयत की शक्ल में उतरता रहा, ठीक है, और हर आयत का एक मौका मौजू होता था। 23 सालों की कहने के साथ ठीक है ना, मैं जो चीज लोग से आपको समझाने की कोशिश करूँ उन चीजों को समझे। हाँ, पाकिस्तान की बुक्स में ऐसी चीजें, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले मैं कुरान के लिहाज से कहता हूँ, कुरान ने ये कहा यहूद नसारा, अब ये जो हमें यहूद नसारा कहा था कि आप दोस्त नहीं हो सकते, खैर ये हमें वार्न किया गया, हमें तलकीन की गई है, ठीक हो गया। अब एक आयत आती ना,
कोई भी आयत कुरान की उठा लो, उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड होता है। कोई वाकया होता था उस पर आयत उतरती थी, फिर कोई और वाकया होता था उस पर आयत उतरती थी। तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य साथ जो मिक्स अप नहीं किया जा सकता, इसलिए जो कुरान मजीद का तलफ़ मानी और तशरीह मानी और तफसीली मानी और, तो इस लिहाज से चीज़ों को आप नहीं समझते, हम भी नहीं समझते, लेकिन हमें इतना ज़रूर समझाया गया कि जो आयत का उसे कहते हैं शान नज़ूल, आयत का तलफ समझा कि ये जो आयत है ये क्यों नाजिल हुई थी, इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट क्या है, उसको जब तक आप नहीं समझते तब तक आप उस आयत का सही तरीके से तर्जमा कर ही नहीं सकते, उसकी तफसील कर ही नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कंडीशन में क्या थे, क्या हुक्म आया ऐसा करो, फिर क्या हुक्म आया ऐसा करो, अब जैसे जैसे उनकी जिंदगी गुजरती गई, साथ साथ आयात उतरती गई, रेफरेंस कंटेक्स्ट बनते गए, जब तक हम उन वाकयात को नहीं पढ़ते तफसील में जाते, हम किसी भी आयत का तर्जमा अपने पास से कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब ये जो बात आई है कि यहूद नसारा वाला, ये हमें वार्न किया गया, खबरदार किया गया कि आप ठीक है कारोबार करें, लेकिन इन पर एतमाद ना करें, ये जब भी करेंगे आपके साथ धोखे ही करेंगे, ये बात समझाई गई। काटने का कहीं हम नहीं आए। अब जो बंदे मुझे काटने वाली आयत देख ना, मैं उनको छितर भी मारूंगा, छितर की आयत से मारूंगा उनसे, मैं फिर पूछूंगा कि ये मुझे बताओ किस सन में किस मौके पर कब नाजिल हुई थी आयत, ये मैं काफी अच्छे से आपको समझा कर ताकि हूं, और अकल के अंदो अगर चीज उल्टी नजर आती है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, हर चीज का एक टाइम है, खास कर कुरान पाक का। तो कोई बंदा अगर मुझे कत्ल वाली या आयत करे सामने लाएगा ना, उसका फिर मैं उनका स्वागत बड़े तरीके से करूँगा, उसका फिर मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये आयत क्यों आई थी। अच्छा, जहाँ तक बात है ना, वो तो मैंने ये पहले बता दी है, तो इस वजह से क्योंकि वो जुल्म उन पर कर रहा है, और अच्छी बात है उनके बच्चों को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो कौम अपनी तहरीक को हिस्ट्री को भूल जाती है ना, वो अक्सर मार खाती है, जिसको पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब यहूदियों की बात करें, जो आखिरी मुसलमानों ने इन पर फतह फल की थी, मौला अली ने की थी, जो किला फतह किया था खैबर, वो आज तक भी इनको पता है और आज तक भी इनको याद, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी वो आखिरी फतह थी जो है ना खैबर की, तो वो अपनी हिस्ट्री को याद रखो, उनको उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ये किया था, अगर मुसलमान ही कहते तो ये तो ये तो जहर भी याद है। अच्छा, ये तो जहर बच्चों के जहन में पैदा कर रहे हैं, बच्चे जो होते हैं जिनका माइंड ही अब वो मैं ये की तरफ बात कर रहा हूँ। अब जो हिंदुओं की बात करें ना, तो हिंदुओं ने बिल्कुल मुसलमानों के साथ जितनी हो सकती थी अंग्रेजों के दौर में खुलकर जुल्म और ज्यादतियां की हैं। हिंदू जो थे वो बहुत ज्यादा करीब थे अंग्रेजों के, और जो बड़ी बड़ी कह रहे हैं कि जो मतलब की थी ना सरकारी जो कह रहे हैं पोस्ट, वो हिंदुओं उन पर थे, जो बेचारे मुस्लिम थे ना वो थे बेचारे को माली था, वो चौकीदार था, इस तरह थे, उनको पता था कि ये गैरतमंद कौम है, ये बेगैरत नहीं है। और हिंदुओं ने मुसलमानों पर फिर उस मौके का फायदा उठाते हुए हजार साल में जो मतलब मुसलमान उन पर रहना हुक्मरान उस वक्त भी सारी जो है ना अपनी जो है ना भड़ास निकाली और उन पर जुल्म किए। और सबसे बड़ी बात, जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए ना, तो उस वक्त जो हिंदुओं ने किया तो वो भी सारा बयान हुआ हुआ है। अब जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1920 में जंग तहरीक खिलाफत में करदार अदा किया था, वो भी लिखा हुआ है, उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा? क्यों तो कहीं और चले गए। अच्छा, एक बहुत और मैं कहना, जो हिंदुओं के साथ जो हेट है, ये मैं बात मानता हूँ, मैंने मुताला पाकिस्तान में इतना लफ्ज जरूर मैंने खुद पढ़े हैं कि हिंदुओं और सिखों का भी जिक्र है, दोनों का, हिंदुओं और सिखों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को धोखा दिया, ये लफ्ज वो है जो मैंने खुद पढ़े हैं। ये बात सच है, ठीक है, ये चीज हमें पढ़ाई गई है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं कि हिंदुओं को जहाँ मिले काट दो, चौधरी जहाँ मिले काट दो ना, बल्कि हमें तो हुक्म है, जो अहले किताब है ना, अहले किताब में यहूदी भी आते हैं, हिंदू उसमें नहीं आते, अहले किताब में ईसाई भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जबूर के जाने वाले जो है पता वो कौन है, वो भी आते हैं, मतलब अहले किताब के साथ यहाँ तक है, अच्छा नहीं समझा जाता, अच्छा नहीं है, क्योंकि आप करना चाहे आपको पसंद आ गया, लड़के को लड़की को पसंद आ गई है, लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो वो आप उनके साथ शादी भी कर सकते हैं, अहले किताब
लेकिन अच्छा ही इसको माना गया। तो बात ये है कि हमें तो यहाँ तक है कि हम शादी कर सकते हैं। ये कौन बंदा आप ऊपर, अब बच्चे जो बोल रहे हैं, बच्चे वो बोल रहे हैं जो बच्चों को उस घर में पढ़ाया गया, घर और स्कूल में। स्कूल में क्या है, शुरू से मुझे भी पता है कश्मीर लेकर बैठा इंडिया, हम कश्मीर कर रहे थे, हम लेकर आएंगे, जिस तरह कहा जाता है पाकिस्तान, इस तरह कहता है हम कश्मीर लेकर आएंगे, हमारी शादी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडिया के लिए नफरत मान गई। और ये बात सच है, इंडिया ने बड़ी जुल्म ज्यादा की मुसलमानों के साथ, इंडियन मुस्लिम के साथ और कश्मीरी मुस्लिम के साथ। ये अगर ये कोई कह देना कि ये झूठ है तो साबित कर दे इस बात को झूठ है, वो गलत बोलेगा। उसका नुमाइंदा था यासिन मलिक, आज तक क्यों नहीं उसको निकाला, अदालत में क्यों नहीं पेश किया, क्यों उसको जेल में भेजा? यार वो फर्जी वाले का उन्होंने किया हुआ है, उनको रखा हुआ, उसकी जो बीवी उसको कह देगा आई एस आई की एजेंट है, अगर ये मुद्दे उस पर ना डालेंगे तो अच्छा, जो हो जाएंगे। वो शेब वाले इस मुद्दे पर इंडिया एक नंबर का झूठा है, इस कश्मीर के मुद्दे पर भाई पाकिस्तान भी झूठा है। ये नहीं कहता पर बात नहीं, बड़ी बात लंबी हो जाएगी, मैं बात करूँगा कुरैशी और शेब को दिखाया जिसमें बच्चे कह रहे हैं, बच्चे हमारे बोलेंगे, बोलते हैं जब हम कहेंगे कि इंडिया ने हमारा कश्मीर कब्जा किया हुआ, क्या कहेंगे उसको, कब्जे वाले क्या कहते हैं, जलन कहते हैं, जलन के लिए क्या अच्छी बात बोलते हैं। मतलब हम अक्सर कहते हैं कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर इंडिया ने ज़बरदस्त कब्जा किया है, एक मैं जनरल बात करूँ तो ऑटोमेटिकली बच्चों के जिल में ये इंटीमेट ये मैसेज आता है कि भाई अगर उन्होंने कब्जा किया तो वो तो गलत कर रहे हैं, तो वो तो गंदे बंदे हैं। ये एक बच्चा फिर खुद से सोचना शुरू कर देता है। ये बात सच है, जिस तरह के बच्चे को अगर आप नेगेटिव पहले उनके जेहन में डालना चाहते हो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, अगर आप बचपन से उनके जेहन में पॉजिटिव पहले डालेंगे तो पॉजिटिव ही वो सोचेंगे, ये हमारा ही नुकसान हो रहा है। ये देखें ये एक रीज़न तो ये है ना, दूसरी रीज़न ये है कि जो हिंदुओं ने मुसलमानों की ट्रेनें भर भर के जो काट काट कर जो भेजी थी पाकिस्तान में और नदियों में जिनको जो है ना शहीद करके फेंक दिया था, अब ये भी रीज़न है और इस वजह से इसमें भी सिखों ने भी बहुत ज्यादा बहुत से कत्ल वारदात की थी। नो कोई भी शायद सही नहीं थी, पाकिस्तान मुसलमानों ने भी किया था, इधर से भी किया, मुसलमान देखने के वहां पर वो देखते रहते जो होता था, मुसलमानों ने भी तो बेचारे ने उस वजह से कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ डिफेंड करना था खुद को। ये मुसलमान बेचारे कब से जब आकर जब से इन्होंने करते हैं जब से ये हमले करते थे हिंदुस्तान में तब से बेचारे नहीं, ये तब से मुसलमान बेचारे होंगे जब से ये बेचारा कार्ड क्यों खेलते हो भैया, एक बात सुनो कि ये क्या बेगैरती करने शुरू हो जाते हैं पाकिस्तानी बेचारे मुस्लिम बेचारे कहाँ थे जो तीसरे कंट्री से उठकर आकर हमले करते हैं, वो बेचारे हैं, वो बेचारे हो गए हैं। तुमने कहा कि कब से हो गए, मैं बता रहा हूँ कि मुसलमान बेचारे उस वक्त से हो गए जब से इन्होंने तलवार छोड़ दी और मसल्ले पर बैठ कर सिर्फ अल्लाह से बदवाएं गैर मुस्लिम के लिए करते आ रहे हैं, उस वक्त से बेचारे मुसलमान हो गए। जब हाथ में तलवार थी ना तो उस वक्त सब भी ठीक थे, उस वक्त इन्होंने बड़े 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 मुल्कों को नुकसान खुद ही पाकिस्तान को हो रहा है।